लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस को लगातार झटके लगते जा रहे हैं, क्योंकि कई नेता, मंत्री, विधायक, सरपंच से लेकर सभी पदाधिकारी लगभग कई भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आज हम हैं कांग्रेस कार्यालय में, हमारे साथ में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी मौजूद है। जानेंगे इनसे भाई साहब, लगातार कांग्रेस में, कांग्रेस के जितने भी वो भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं, क्या देखते हैं इस परिस्थितियों को? लोकसभा चुनाव सिर पर है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस से भाजपा में जाने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, कुछ भाजपा के भी बड़े बड़े पदाधिकारी, सांसद, वर्तमान सांसद कांग्रेस में आ रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस से जो भी सांसद जा रहे हैं, वो उनकी क्या मजबूरी है ये तो उन्हीं से पता चलेगा आपको। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी देश में एक अलोकतांत्रिक माहौल बना रहे हैं, देश में जो एक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गलत है। जैसे आप देख लीजिए कि जो अशोक चव्हाण जी के बारे में वो खुद अपनी मीटिंगों में कहते थे कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का घोटाला में इनको जेल भेजेंगे, अगले ही दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है। अजीत पवार की पार्टी के लिए वो कहते हैं कि वो भ्रष्ट पार्टी है और वो अगले ही दिन अपनी पार्टी का विलय उसमें करा देते हैं, तो वो सबसे अच्छी पार्टी हो जाती है। तो जो मोदी वाशिंग पाउडर की जो स्कीम चल रही है, वो देश समझ रहा है इन चीज़ों को। अब वो लोग क्यों जा रहे हैं, किस डर से जा रहे हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत, उन लोगों का सोचना है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान की जनता और इस देश की जनता इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। अच्छा, आपने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग, मतलब इनको डराया जा रहा है उस बल पर, इनको कई बार कांग्रेस नेता भी ये बोलते हैं कि ईडी का डंडा था इस वजह से। तो बचपन में कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपके मन में डर हो, कोई गलत किया हो तो डरना नहीं, गलत किया हो तो डरना, अन्यथा कभी नहीं डरना। तो क्या कांग्रेस पार्टी में मंत्री, विधायक, ये क्या डरे हुए थे, इन्होंने कुछ गलत किया था कांग्रेस पार्टी में रहते हुए तो जाने को मजबूर हो, या फिर और की बात है? अब इन लोगों ने जो अपने अपने विभाग के मंत्रालय में क्या किया ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के हर मंत्री ने गलत किया है, वरना अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के पूरे मंत्री शामिल हो जाते। अब कोई 50 में से एक मंत्री शामिल हो रहा है, तो हो सकता है कुछ इंडिविजुअल उसने गलत किया हो जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व या वहाँ के प्रदेश नेतृत्व को पता नहीं हो। तो अगर उन्होंने गलत किया है तो इस डर से जा रहे होंगे। बाकी जहाँ तक कांग्रेस के दूसरे मंत्रियों या दूसरे नेताओं का सवाल है, उन लोगों ने किसी ने गलत नहीं किया तो आज ही कांग्रेस पार्टी के साथ डटे हुए खड़े हुए हैं। अच्छा, भाजपा में लगातार शामिल होते जा रहे कांग्रेस, भाजपा की स्थिति क्या देखते हैं? क्या मजबूत हो रही है भाजपा आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए, या फिर कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ दम से लड़ेगी? बीजेपी ने एक नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत है ना, तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी में कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है इनकी। मतलब सारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं ये बीजेपी में जा रहे हैं, मतलब ये कि इन्होंने जो हालात पैदा किए हैं और जो डर, जो माहौल जो बना रखा है, मुझे नहीं लगता है कहीं डर या कुछ है। मुझे लगता है कि एक लालसा होती है खुद की, पर्सनल मफाद के लिए आदमी खुद के फायदे के लिए भी कितनी बार अपनी पार्टी से बगावत कर देता है। हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि आने वाला समय बीजेपी का है, ऐसा नहीं है। आज जो हालात बीजेपी के हैं, इससे बेटर हालात कांग्रेस के भी रहे हैं। 400 प्लस की जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 प्लस की सीट आएगी, राजीव गांधी के टाइम पे 400 से भी ज़्यादा सीट आई हुई है। तो हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आज हो सकता है बीजेपी का समय है, कल फिर कांग्रेस का समय आएगा। जो कार्यकर्ता आज मजबूती के साथ जो खड़े हैं कांग्रेस के साथ, उनके फिर अच्छे दिन आएंगे। जो लोग चले गए उनका तो भगवान ही मालिक है। अच्छा, लालसा की आपने बात की, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के भाजपा में जाएंगे, तो भाजपा में ऑलरेडी पहले से ही बड़े बड़े दिग्गज नेता है, तो क्या लालसा मिलेगी उनको, क्या चीज़ें दी जाएगी उनको, क्या बताया जाएगा जिस पे वो जा रहे हैं? इसमें जैसा कि अभी एक चंडीगढ़ में यासर से एक सांसद थे जो पहले कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे, अभी वो फिर पुनः कांग्रेस में आ गए हैं, तो ये तो चलता रहेगा है ना। और जो लोग जा रहे हैं, मतलब वो बहुत पुराने राजनीति के हैं और जो पुराने टाइम से नेतागिरी कर रहे हैं, उनको खुद को पता है कि वहाँ एक लंबा रेला लगा हुआ है ना। वो किसी लालसा से जा भी रहे हैं तो वहाँ पे जो आज मैंने एक अखबार में फ़ोटो देखा था, सीएम भजन लाल जी के उसमें नेतृत्व में काफ़ी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर दी, तो आप उसमें देखें सीनियर लीडर हैं मेवाड़ के, वो सेकेंड पंक्ति में खड़े हैं, कहीं वो जब इधर कांग्रेस में थे तो फर्स्ट पंक्ति में वो लोग नज़र आते थे, है ना, ऐसा मामला है। तो मत इनको बाइकॉट एक तरह से कर दिया जाएगा आप कह रहे हैं? मतलब ये ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, मुझे जो लगता है इनकी स्थितियाँ ऐसी है। अभी जो आज ही मैंने अखबार में देखा है कि जब आदमी जो फ्रंट लाइन में खड़ा है वो सेकंड थर्ड पंक्ति में आ गया, मतलब जो जिसका बॉडी पूरी फोटो में नज़र आती है, अब उनके सिर्फ जो शक्लें हैं वो पीछे से झाँकते हुए दिख रहे हैं, तो उनकी स्थितियाँ इस तरह से बीजेपी कर देगी कि मतलब वो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, आम आदमी पे इन चीज़ों का क्या असर पड़ता है? भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा में जाते हैं, तो क्या सोच रहती है आम आदमी, क्या सोचता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, क्या फ़ायदा उनको किस पार्टी से मिलेगा, क्या सोच रहेगी?
पब्लिक को तो कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ये अपने फायदे के लिए जाते हैं रहा। तो वो पब्लिक यही देखती है कि भाई 5-10-15 साल 20 साल जो भी इन्होंने राजनीति की यहाँ पे, वो सब उसके लगा के मतलब लोगों को जो मिल फ़ायदा जो देना चाहिए था वो दे नहीं पाते हैं। और ये इनको लगता है कि मेरी ज़मीन खिसक रही है, जो आने वाले टाइम पे जो कोई टिकट पार्टी टिकट नहीं देती है, तो ये देखते हैं कि अब मेरे को पद पे बने रहना चाहिए, जो सुख भोगना ही है मेरे को परमानेंट, तो उस चक्कर में इधर जाते हुए जनता से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप वरिष्ठ हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या ऐसे देखते हैं सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी और अब मोदी 10 साल से, क्या परिवर्तन दिखता है इन स्थितियों में आपको? कांग्रेस का एक इतिहास रहा है आज़ादी से लेकर आज तक, भारत देश को आगे बढ़ाने में, इसको आज़ादी दिलाने में कांग्रेस की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सोनिया जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर थे, और उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में जो संघर्ष किया और जो त्याग किया, बलिदान किया, वो इतिहास बना हुआ है आज। उसके बाद में सोनिया जी ने भी, हर हमारे जो कांग्रेस के जितने बड़े लीडर थे सबने अपना मन त्याग किया है। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, राजीव ने बलिदान दिया, तो फिर 10 साल से मोदी सरकार क्यों और अभी जो है कांग्रेस में, कांग्रेस से डायरेक्ट भाजपा में? हाँ, ये 10 साल से मोदी सरकार जो आई थी लोगों को भ्रमित करके, ऐसे लोगों को भाई अच्छे दिन आएंगे, और जैसे 400 में सिलेंडर मिलता था तो ये कि हम इसको और कम में देंगे, लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई और इससे और ज़्यादा अच्छा दिन आएंगे, उस हिसाब से लोग भ्रमित हो गए और इनकी सरकार आ गई। अब क्या देखते, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपकी पार्टी से भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं, कांग्रेस की क्या स्थितियाँ होगी? नहीं, कांग्रेस की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो रही है, लोगों में ये पूरा विश्वास हो गया है कि 10 साल में ये झूठी सरकार झूठे वायदे करके लोगों को भ्रमित करके सत्ता में बैठी, और इसका सारा कारनामा जो सरकार का जो चल रहा है ये जनता समझ चुकी है और जनता इनका जवाब देगी। बिल्कुल, हमारे साथ किसान नेता भी है, किसान नेता रहे लंबे टाइम से, आप क्या समझते हैं लगातार MSP की मांग, किसानों के लिए वादे, क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किसान किस तरफ रुख करेंगे? देखिए, आज आप बहुत समय से देख रहे हो, किसान 2 साल पहले आंदोलन किया था तो इन्होंने वादा करके रोक दिया था क्योंकि चुनाव था यूपी का। आज वापस चुनाव के समय किसान MSP मांग रहा है कि भाई मिनिमम प्राइस मांग रहा है, कोई उनसे तो कुछ राज तो मांग नहीं रहा है। लेकिन आज वो आप देखिए बॉर्डर पे जिस तरह से किसानों को रोकने का, दमनकारी नीतियाँ का जो हो रहा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ भागों में जो बड़े किसान हैं, बड़ा तबका है जो जानता है किसानी के बाद उसको कितना लॉस होता है, उसको लेकर आज मांग कर रहा है। तो कहीं कहीं रोडों पर किसान नाराज तो है ही है क्योंकि ये सरकार सिर्फ वादे किए, वादे करके, जुमले करके यहाँ पर आई है लोकसभा के अंदर। सिर्फ अगर मीडिया मैनेजमेंट जिस तरह से, ये जो इनका मीडिया मैनेजमेंट है, काट के आंटी को बार बार चढ़ाते हैं, इनका जो मीडिया मैनेजमेंट है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर पाई। एक जैसे RTI कानून कांग्रेस लाई, फूड बिल लाई कांग्रेस, जो आज 5 रुपये किलो गेहूँ देने की मोदी जी बात कर रहे हैं वो कानून मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। RTI का कानून लेके आए, शिक्षा का कानून लेके आए, नरेगा का कानून लेके आए। जब ये ऐसे कानून लेकर आए और कानून लगाकर देश में लागू किए, लेकिन उस समय कांग्रेस सिर्फ अपना मार्केटिंग नहीं कर पाई। जिस तरह से जो डबल इंजन की सरकार का आप सुबह उठते फोटो अखबार में देखते हो, उस तरह से कांग्रेस ने जनता के पैसों को अखबारों में, मीडिया में नहीं धकेल कर काम करने का काम किया, उसका मार्केटिंग नहीं हुआ। आज इन्होंने 10 साल से इतना मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, एक चीज को बार बार बुनाते भले 12 बजे GST लागू करना हो, नोटबंदी करना हो, आप देखिए उन्होंने रो रो कर कहा है कि 50 दिन दीजिए मुझे, 50 दिन दीजिए मैं इसका फायदा कर दूंगा। 2000 का नोट इनका खत्म करना पड़ा, लोगों को लाइन में लगनी पड़ रहा है, मृत्यु हो रही है। कई खाद का कट्टा, जैसे आप किसान लेने जाते हो पहले 50 किलो का कट्टा आता था, आज धीरे धीरे 40 किलो का कर दिया, रेट घटा रहे हैं और ऊपर प्रधानमंत्री परियोजना लिख कर अपना प्रचार कर रहे हैं। आज देखिए गाँव में राशन के डीलर पर 5 रुपये किलो मुफ्त अनाज के बोरे बांटे जा रहे हैं। तो फिर लोकसभा में ये चीजें दिखी जाएगी, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अगर आज की तारीख में जिस तरह से हाईजेक तरीके से जनता के बीच जाए और जनता को इस बात को भुनाए, क्योंकि गहलोत साहब की योजना थी, गारंटी गहलोत साहब ने दी, वो शब्द चुरा लिया और गारंटी उनके साथ जुड़ गए, पहले इनके जुमले थे अब ये गारंटी में आ गए, तो कहीं ना कहीं चुराने का काम भी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस वास्तु स्थिति अगर कार्यकर्ता जाकर जनता के बीच अपनी बात करे, शिक्षा स्वास्थ्य नीति पर बात क्यों नहीं हो पा रही है? एक्चुअल में कांग्रेस में कहीं ना कहीं अभी
वर्णासन अवस्थितियां में आ गई। 77 में जिस तरह से भाजपा पूरे देश के अंदर सफाया हो गया था, तब इंदिरा जी ने 2 सीटें खाली करके अटल आडवाणी को विपक्ष में बिठाने का काम किया और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। लेकिन यहां कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने का काम करके सरकार के कहीं ना कहीं जो नेता मंत्री जो है जिन्होंने छोटा सा कोई काम किया तो उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा, प्रशासन के मार्फत दबाया जा रहा, चाहे कार्यकर्ता जाता है कि मैं कांग्रेस का हूं तो उसके अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है कि इसका काम नहीं करना है। वो कार्यकर्ता मायूस हो जाता है कि यार मेरा तब काम ही नहीं हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं उस पार्टी में चला जाऊंगा तो मेरा वर्जूद होगा। ये एक डर पैदा किया जा रहा है और लोगों में जो डर व्याप्त है कहीं ना कहीं इस तरह से ये डर व्याप्त हो रहा है। तो ये थे कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर आने वाली स्थितियों को बताया। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।